हेलो अलावली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउर गोइंग टू डिस्कस दी इन बिटवीन क्वेश्चन विच इज ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के बीच के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाने ऐसे लिखती हूँ कि पूरे चैप्टर में फर्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिकॉज पेजेस अगेन आगे पीछे हो जाते हैं मैं पेज भी मेंशन कर दूंगी आप खुद ही क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा या के कौन से पेज का है सो स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी बॉडी ऑन अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी हर चीज हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देर मास इनलीपोर्शन टू स्क्स बिटवीन तो जब हमने किया था, तो मैंने आपको बताया था कि देखो एक फोर्स की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है दोनों चीजों के मास से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से देन हमने ये प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जी अपना लेके आए थे यूनिवर्सल सो तो ये हो गया था हमारा फॉर्मूला ठीक है ना सो तो यहां से इसमें हमने पूरा समझा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है तो लिखने का इसका यही तरीका है कि वो ऐसे फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासस के प्रोडक्ट से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से ठीक है तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट दी फॉर्मुला टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन दी सर्फेस ऑफ अर्थ सेम वही चीज किसी दो चीजों के बीच का बोला है बट यहाँ पे हमें बोला है अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है तो सिर्फ क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे मास M1 M2 में से समझ लो एक मास तो अर्थ का ही हो गया और दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एंड अगर हम डिस्टेंस की बात करें सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं तो वो हो गई हमारी अर्थ की रेडियस तो डिस्टेंस स्क्वायर की डी स्क्वायर कीजिएगा आर स्क्वायर आ गया यहाँ पढ़ लेते हैं एफ जी हो गया फोर्स जो हमें यहाँ पूछा है जी हो गया जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अभी मैं आपको ये पूरा समझा के आई हूं ना सेम चीज है

वट डू यू मीन बाई फ्री फॉल फ्री फॉल का क्या मतलब है कोई भी चीज बिना किसी फोर्स के बिना किसी उससे जब खुद फ्रीली गिर गिरती है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं वो कैसे नीचे गिर रही है सिर्फ ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है सो वेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फोर्स टूवर्ड दी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड विदाउट एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इट इज कॉल्ड फ्री फॉल विदाउट एनी फोर्स मतलब ऊपर से फेंका नहीं गया वो फ्री फॉल नहीं होगा अगर मैं यहाँ से माउस को किसी प्रेशर के साथ किसी फोर्स के साथ फेंक रही हूँ सो so वो मेरा फ्री फॉल नहीं है लेकिन हाँ ये टेबल पड़ा पड़ा एकदम से खुद ही गिर जाए या जैसे एक एप्पल गिर जाए ट्री से तो क्या है दैट इज फ्री फॉल ठीक है जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ वट डू यू मीन बायरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जो हम ये हमारा स्मॉल जी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना जो कि इसकी वैल्यू हमने 9.8 काफी सारे यार न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी यूज करी है हमने अभी ये होता क्या है व्हेन अ बॉडी फॉल्स ऑन अर्थ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हमने फ्री फॉल की बात करी अगर ये यहाँ से मैं इसको नीचे गिराती हूँ ठीक है फ्री फॉल है लेट्स सपोज फ्रीली फॉल हो रहा है ये बट कोई एसिलरेशन तो पकड़ रहा है ना अगर कोई चीज नीचे जा रही है कुछ एसे तो कुछ तो होगा ना उस बॉडी में अब ये एसिलरेशन कैसे आया है ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको हम बोलते है, gravity, simple, हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल आगे बढ़ती है अब ये अगेन थर्ड मतलब इसके बाद जिस पेज पे भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट तो यहाँ पे चैप्टर में हमने पूरा टॉपिक किया था कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं तो मास क्या होता है इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी एक कोई भी बॉडी है कोई भी चीज है उसमें कितना कितनी उसकी क्वांटिटी है दैट इज मास वेट की जब हम बात करते हैं इट इज अ फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टू सेंटर ऑफ अर्थ जब हम वेट की बात करते हैं जब भी हम अपना वेट वेट बोलते हैं हमारा वेट इतना है ये है वो है वो बेसिकली क्या कैलकुलेट होता है कि कितना फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी से या अर्थ पे बांधे रखने में सो so, वो हो गया देन है मास इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स मतलब ऐसा SI यूनिट है मास की किलोग्राम एंड वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है वैसे हम किसी को भी अपना वेट बताते हैं सिक्सटी टू के जी सिक्सटी के जी फिफ्टी के जी के जी में बोलते हैं बट एक्चुअल में वेट का जो ऐसा SI यूनिट है दैट इज न्यूटन क्योंकि वो एक फोर्स है ठीक है ना स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट मास जो है वो सेम रहता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एज पर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो जब भी जी चेंज होगा जो हमारा है तब तो वेट चेंज होगा और ये जी चेंज कब होता है सेम प्लानेट पे तो किसी और प्लानेट पे जैसे अगर हम मून पे जाओगे तो वहां पर जी अलग होगा ग्रेविटी अलग होगी यहाँ की अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो ग्रेविटी अलग होगी ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि अर्थ पूरी स्क्र नहीं होती थोड़ी सी यहां से जब टी होती है तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेविटी और यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है तो वेट का भी फर्क आएगा नेक्स्ट है जी मास ऑफ अ बॉडी इज सेम ऑन अर्थ एंड मून अभी जो मैं वही बात कर रही थी कि अब मास तो अर्थ पे हो चाहे मून पे हो सेम ही रहेगा लेकिन जब हम वेट की बात करेंगे वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज वन सिक्स ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑन मून सो वेट जो है मून पे वो क्या होगा वन मतलब वेट समझ लो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी ऑन मून लिख दो या हम कह सकते हैं अर्थ पे किसी चीज का वेट और मून पे किसी चीज का वेट में वन सिक्स का डिफरेंस है आगे है हमारे पास मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो किसी भी चीज को हल्की से हल्की चीज भी होगी ना उसका भी कुछ तो मास होगा एक चावल का दाना भी लोगे चाहे जीरो पॉइंट जीरो फोर ग्राम का हो लेकिन कुछ तो उसका मास होगा एंड वेट ऑफ अ बॉडी जीरो ओनली वेन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो और वेट जीरो कब हो सकता है जब ये जो जी है ये जीरो होगा ओके okay जी, सो so ये था फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज दर्थ one sixth इट्स वेट ऑन अर्थ अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो वेट है उसका वन सिक्स जैसे मैंने बताया था ना अगर यहाँ पे मान लो कोई चीज सिक्सटी के जी की है सो तो अगर हम मून पे जाके देखेंगे तो वो सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्स मतलब टेन के जी की हो जाएगी समझ रहे so, हो सो अब इसको एक्सप्लेन पूरा यहाँ पे किया था हो नोट्स का हमारा एक टॉपिक था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मूड सो यहाँ पे हमने सारी ये वैल्यूज वगैरह पुट करके निकाला था कि भैया है तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं आगे नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ लास्ट आ रही है सो दिस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है

ज्यादा लगेगा स्टैप्स मोटी होंगी एरिया ज्यादा कम होगा तो आपका जो प्रेशर है वो कम लगेगा शोल्डर्स पे सो इन केस ऑफ थिक स्टैप ऑफ बैक द एरिया ऑफ़ स्टैप इज मोर एरिया ज्यादा है हेंस प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी शोल्डर इज लेस तो शोल्डर पे जो प्रेशर बढ़ रहा है वो कम है दैट इज वाई इन केस ऑफ अ थिन स्टैप द प्रेशर एक्जेड ऑन दी शोल्डर इज मोर एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड सच ए बैग तो ऐसे कोई बाहरी सा बैग जिसकी पतली सी डंडिया होंगी बहुत हैवी फील है तो होगा एक खैर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा उसमें शोल्डर में ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय होता है द अपवर्ड फोर्स बाय अ लिक्विड लिक्विड की जगह यहां फ्लूइड लिख सकते हैं बिकॉज ये गैस के लिए भी एप्लीकेबल है सो बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट्स इमर्ज इन इट इज रेफर टू एज बॉयजी किसी भी लिक्विड यहां पे बोल बोले क्योंकि हम बोले आगे इसे बता रहे कि किसी चीज को अगर आप उस पानी में डाल रहे हो तो एक फोर्स लगता है अपवर्ड की डायरेक्शन में उस चीज को ऊपर धकेलने के लिए एक फोर्स लगता है विच इज

फ्लोट करेगी सो so, यहाँ पे भी देख लेते हैं या आप इस तरह के से भी देख सकते हो कि कोई भी चीज जब हल्की होती है तो चांसेस है कि वो फ्लोट करेगी और जब कोई चीज भारी होती है तो वो क्या करती है सिंक कर जाती है सो इफ दी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट सिंक्स अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो सिंक करेगी जब भी आप यहाँ पे यह पानी ले लिया मैंने इस पानी के अंदर कुछ भी चीज डालते हो तो एक बॉइंस फोर्स लगता है जो उस चीज को ऊपर की तरफ धक्का देगा और नेचुरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ धक्का दे जब उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो ये बॉइंस फोर्स इतना ज्यादा नहीं लग पाता ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है इसीलिए वो सिंक हो जाते हैं लेकिन जब उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है तो इज बिकॉज एक्टिंग ऑन मोर देन द ग्रेविटी जो भी मैंने आपको समझाया है सेम चीज तो डेंसिटी का सारा खेल है अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी है उस चीज की तो वो सिंक करेगी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगी ठीक है जी नेक्स्ट अब questions ये लास्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं पूरे चैप्टर के एंड में दो क्वेश्चन हैं, ये ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से समझना You find your mass to be 42 kg on a weighing scale. पहली चीज तो उन्होंने बोल दिया कि आपको अपना मास पता चला है weighing scale पे हमें वेइंग मशीन पे जब भी हम खड़े होते हैं वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं वो हमें वेट बताते हैं फर्क होता है ना मास और वेट में तो अगर वो 42 टू के जी बता रहे इज योर मास मोर और लेस देन 42 टू के जी तो आपके हिसाब से वो एक्यूरेट 40 ही फोर्टी टू ही होगा या वो ज्यादा या कम होगा तो यहां पे मैं आपको दो चीजें समझाती हूँ एक होता है हमारा एक्चुअल वेट ठीक है कि हमारा एक्चुअल वेट कितना है और एक होता है हमारा अपेरेंट वेट तो जब भी हम वेन स्केल पे खड़े होते हैं ना तो हमें ये हमारा अपेरेंट वेट दिखाता है ना कि एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट हमारा में वे, इसमें ऐड हो जाता है अब यहां पे आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है सो वो मैं भी आपको बता देती हूं देखो पहले अब इसका आंसर पड़े ये चीज थी, छोटी सी समझ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगी

वॉटर लिक्विड या गैसेस दोनों दोनों में यहाँ पे आते तो एयर जो प्रेजेंट है वो क्या बेसिकली वो एक जब आप यहाँ पे वेइंग स्केल पे अगर आप इस पे खड़े हुए हो, हो तो वो क्या कर रहे है एक बोन्स फोर्स लगा रहा है जो आपको फील तो नहीं होता ऐसा नहीं कि हवा में आप उठने लग जाते आपको फील नहीं होता बट वो बोइन फोर्स लग रहा है दैट मींस वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा लाइट कर देता है जब हम उस विंग स्केल पे खड़े हुए होते हो ऑन आर बॉडी एंड अच्छा पांच छह किलो का फर्क नहीं so, पड़ता जैसे अगर लेट सपोज फोर्टी टू अभी दिखा रहा है एंड मान लो वो फोर्स सिर्फ एक किलो का था तो मतलब एक्चुअल अगर फोर्टी थ्री है तो वो फोर्टी टू दिखा रहा है इतना सा डिफरेंस होता है ठीक है so, सो हम कह सकते हैं दस वी कैन से दैट आर मास विल बी स्लाइटली मोर मतलब हमारा थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि अभी जो वो दिखा रहे हैं वो ये वेट दिखा रहे हमारा वो इस, ये जो हमारा बॉइंस फोर्स है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता तो दैट मीन्स वो जो हमारा एक्चुअल वेट होगा उसमें ये बॉइंस फोर्स भी होगा सो so, वो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अग ऑफ कॉटन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है

लेकिन जब उसको उठाया तो एक भारी है और एक हल्का है तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो आपके हिसाब से सौ किलो की रूई पड़ी है और सौ किलो का एक आयरन का वो पड़ा है ब्लॉक पड़ा है कौन सा भारी होगा तो आपका नाइनटी परसेंट बच्चों को ये लगेगा भाई जो एयर वो आयरन का ब्लॉक है वो हैवी होगा है ना बट द फैक्ट कि यहाँ पे जो हमारा हंड्रेड के जी का कॉटन वाला होगा वो भारी होगा रीजन लेट्स सी वी नो ट्रू वेट होता है वही जो हम पीछे भी बात करके आए हैं जो हमारा बॉयंसी फोर्स लगता है ठीक है ना द कॉटन बैग इजियर देन द This is due to the reason that the bag of cotton which has more volume, simple सी चीज है यार अगर एक आयरन बार हंड्रेड के जी का इतना सा भी अगर वो होगा तो ये आयरन का है, अगर लोहे का है तो वो हंड्रेड के जी वेंग स्केल पे आ सकता है करेक्ट लेकिन हंड्रेड के जी ऑफ कॉटन इमेजिन करके देखो रूई कितनी हल्की होती है तो अगर हंड्रेड के जी वेंग स्केल पे आ रहा है तो दैट तो मीन्स वो कॉटन बहुत ज्यादा होगी तभी तो हंड्रेड के जी विंग स्केल दिखा रहे क्योंकि जरी सी में कितनी होती है यार एक दो ग्राम की भी नहीं होती कितनी सी भी अगर आप हैंडफुल भी लोगे तो हंड्रेड के जी मतलब बहुत ज्यादा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया इसका जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना बॉइंस फोर्स ज्यादा लग पाएगा इस पे फोर्स इतना नहीं लगेगा क्योंकि देखो वेंग स्केल पे तो दोनों हंड्रेड ही दिखा रहे तो हमें पता है दोनों ही सेम है लेकिन अगर हम ट्रू वेट की बात करें जिसकी वजह से एक चीज भारी है एक चीज हल्की है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बॉइन्स फोर्स सिंपल अब मैं यहाँ पे कॉटन का ट्रू वेट निकाल रही हूं ठीक है और यहाँ पे मैं आयरन का ट्रू वेट निकाल रही हूँ ठीक है जी सो so, कॉटन का ट्रू वेट कैसा निकलेगा हंड्रेड के जी उसका ट्रू वेट कैसे निकलेगा हंड्रेड के जी इसका अपेरेंट और बाकी इस पे जो बॉइज फोर्स लग रही है तो मतलब यहां से क्लियर हो गया ये अगर हंड्रेड के जी है ये भी हंड्रेड के जी है तो ये तो सेम ही है बॉइज फोर्स का सारा खेल बचा है किस पे कितना अगर इस पे ज्यादा होगा तो ये हैवी हो जाएगा अगर इस पे ज्यादा होगा तो ये हैवी हो जाएगा अब एक्चुअल में क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बोइंग फोर्स जो लगेगा वो इस पे ज्यादा लगेगा इसके पास एरिया इतना जरा सा है तो बोइंग फोर्स कम लगेगा तो इस केस में बोइंग फोर्स अगर कम है तो इसका एक्चुअल में वेट एक्चुअल वेट मतलब जब इसको उठाओगे तो वो इतना भारी नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन क्योंकि इस पे बोइंग फोर्स बहुत ज्यादा लग गया है तो इसलिए इसका एक्चुअल में हैवीनेस बहुत ज्यादा हो गई है सो द बैग ऑफ कॉटन विच हैज मोर वॉल्यूम एज इट हैज लेस डेंसिटी ठीक है देन द आयरन बार विच हैज मोर डेंसिटी एक्सपीरियंस इज मोर अपथ्रस ड्यू टू एयर इसलिए इसमें अपथ्रस ज्यादा लगे हम बोल सकते हैं बॉइंड फोर्स ज्यादा है 100 तो दोनों ही 100 है इसमें बॉइंड फोर्स ज्यादा है मान लो इस पे बॉइंट फोर्स लगा है पचास के जी का सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल होता नहीं है पर चलो का का लगा है और इस पे सिर्फ 20 kg का लगा है है और सिर्फ तो इसका एक्चुअल में कितना है? 120 की चीज उठा रहे हो, कंप्लीट हो। तो है, होते हैं अब हम आते हैं इसकी बैक एक्सरसाइजेस पे इसके जो पीछे की हमारे पास ट्वेंटी टू क्वेश्चन है फटाफट -फड़ से उनको खत्म करते हैं